और महाराष्ट्र के ठाणे में मेट्रो दौड़ाने की तैयारी। मेट्रो 5 लाइन के लिए तैयार हुआ 550 मीटर लंबा ब्रिज। ये साल मुंबई की चाल बदलने वाला साल है। जिस तरह से मेट्रो लाइनें शुरू हो रही हैं या काम चल रहा है, उससे शहर की ट्रैफिक की स्थिति बदलेगी। दो दिन पहले ही मेट्रो 7 और मेट्रो 2A का पूरा रूट शुरू हुआ। उसी दौरान मेट्रो 5 का एक महत्वपूर्ण काम भी पूरा हुआ है। शहर की ऐसी पहली मेट्रो जो किसी खाड़ी के ऊपर से गुजरी है, उसके बेस का काम पूरा हो चुका है। मेट्रो 5 के लिए कसेली क्रीक पर ब्रिज का काम 23 जनवरी को पूरा हुआ है। मेट्रो 5 लाइन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण काम था, जिसमें 550 मीटर लंबा ब्रिज बनाना था। ये मेट्रो 5 के पहले चरण का हिस्सा होगा। इस रूट से ठाणे और कल्याण मेट्रो से कनेक्ट होंगे। कसेली क्रीक ब्रिज के लिए 13 स्पैन लॉन्च करने थे। इनमें से 9 स्पैन खाड़ी के ऊपर से गुजरते हैं। प्रत्येक स्पैन की लंबाई 42.23 मीटर है और एक स्पैन में कुल 15 हिस्से हैं। कसेली खाड़ी पर गर्डर लॉन्च करने का काम 123 दिनों में पूरा कर लिया गया। मुंबई में सेंट्रल सबर्ब के लिए मेट्रो 5 लाइन जरूरी प्रोजेक्ट है। मेट्रो 5 का काम एफकॉन नाम की कंपनी कर रही है, जो कसेली खाली पर ब्रिज तैयार करने के अलावा 11 किलोमीटर का वायडक्ट तैयार कर रही है। इसमें लाइन 4 को लाइन 5 से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बालकुम, कसेली, कालहेर, पूना, अंजुर फाटा और धामनगर नाका नाम के 6 मेट्रो स्टेशन भी तैयार किए जा रहे हैं। एफकॉन के अनुसार कुल 11.68 किलोमीटर में से 9.3 किलोमीटर तक वायडक्ट तैयार किया जा चुका है। 6 स्टेशनों का 60% तक काम किया जा चुका है और इस मेट्रो के एक पैकेज CA28 का कुल 70% काम पूरा हो चुका है।